अच्छा जी, ये एम्प्रिंट का एक आर्टिकल हमने आज से 2-3 दिन पहले भी स्टिच कर दिया था। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की थी, जो दामन पे यहाँ पे ऑर्गेंजा लगी हुई है, ऑर्गेंजा नहीं थी लगाई, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग के बाद 6 से 7 ऑर्डर इस टाइम आए हुए हैं। और आज हम आपको इसकी मुकम्मल डिज़ाइनिंग बताते हैं कि इसका जो गला है ये हमने कैसे बनाया है। इसकी यहाँ पे आप लोग स्लीव पे देख सकते हैं, ये जो पट्टियाँ बनाई गई हैं ये डिज़ाइनिंग किस तरह दी गई है, और यहाँ पे पैनल पे और दामन पे किस तरह से डिज़ाइनिंग दी गई है। आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल ट्यूटोरियल दिया जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम डेली बेस पे अपलोड करते रहते हैं। जी भाई जान, इस डिज़ाइन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है भाई? हम पैनल जो है मैडम। अच्छा, जरा कहाँ वहाँ पे एक दो ठीक है, या भाई दो एक ये दो। अच्छा ठीक है, सेंटर से यही ना वहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, चार लोग यही रखते ना काम में। अच्छा सेम हम यही दे रहे हैं, कोई इसमें हम चेंजिंग नहीं कर रहे। अच्छा जी, इसकी पैनल पे सेंटर लेस लग गई है, अब यहाँ पे डिज़ाइनिंग की जा रही है। ठीक है, हाँ आओ ये पिंटक से लेनी है सिंपल। अच्छा दामन के लिए 3-3 डलेंगी ना एक साथ? ठीक है, वही सेंटर की वीडियो बना।
अच्छा जी, अब हम ये जो स्लीव पे डिजाइनिंग है और दामन पे डिजाइनिंग है ये अब हम बनाने लगे हैं। तो इसका आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताते हैं कि ये डिजाइनिंग किस तरह से बनाई जाती है। हम ये डिजाइनिंग पट्टियां बना रहे हैं ना। अच्छा, पहले ये लूप्स की पट्टियां बनेंगी। अच्छा, फिर पलटा जाएगा, फिर ये डिजाइन हमारा इसी पट्टी के साथ ये डिजाइन बनाया जाएगा जी। अच्छा तो अभी ये सारी पट्टियां हमने बनानी है। ऐसी बात है, ये आसने देखें, सेम ये बनेंगी, सेम दामन बनेगा। अच्छा हाँ, पट्टियां बन गई हैं कुछ, अभी दामन के लिए बनाई है खाली ना। अच्छा हाँ, इसको अगर कम पड़ेंगे तो और बना लेंगे। तो आप ये इनके सेंटर में क्यों प्रेस कर रहे हैं? जो हमारा डिजाइन है ना, अगर हम ये सिलाई साइड में रखते हैं ना जी, तो सिलाई ऊपर आ जाएगी। अच्छा, वो डिजाइन हमारा खराब कर देगा। अच्छा हाँ, इसमें मेहनत लगती है लेकिन हमारा डिजाइन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सेना और गेंदा यूज नहीं करते। अच्छा, लेकिन हमें यूज करनी है, हमें सीतू का मना किया कस्टमर ने। अच्छा, ये डिजाइन जो है ना, ये और गेंदा के बिना ही बन जाता। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, बाकी का काम जो है वो अपने हाथ से करना है। ठीक है, मेन डिजाइनिंग इसकी हाथ से होगी। ऐसी है भाई, ऐसी ही है, ये काम हाथ वाला ही है, ये मशीन से तो होगा नहीं ना। अच्छा हाँ, मशीन से तो बिल्कुल लोग छुने आएंगे नहीं, जो बात आनी चाहिए जो डिजाइन के, वो ये भी हम कस्टमर के मुताबिक ना, किसी ने बोला था कि ये दिखाने का तो हम दिखा भी रहे। अच्छा, और काम फिर ऐसे हाथ रुकता है काम। अच्छा, इस पे मोती भी आएगा। अच्छा हाँ, मोती ऊपर लगेगा जैसे यहाँ पे पोस्टर पे लगा हुआ है। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्टर में एक मोती लगा हुआ है और यहाँ के पे सेंटर पे एक मोती लगेगा। बिल्कुल हम पक्का कर लेते हैं। अच्छा, ताकि ये यहाँ से लिया है। ठीक है, सब धागा जो है ना बार बार इसमें और गेंदा पड़ता है, इसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। देखो गौर से देखे ना, यहाँ पे हमने ना धागा लिया है, यहाँ हम पक्का कर लेंगे, ये सिर्फ पक्का होगा। ये पक्का यूँ होगा, इसलिए होगा ताकि वो आगे से ना, अगर हम धागा खींचेंगे ना तो ये ना किसके खिसक के नहीं आएगा। ठीक है, ठीक हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, यहाँ से हम पक्का नहीं कर रहे, यहाँ से हमने ये धागा यूँ लिया है। अच्छा, यहाँ पे दो टांके, एक सेंटर में और एक फिर किनारे पर। हाँ, ये डिज़ाइन है,
फिर ये वापसी ऐसे ले लेंगे यहाँ से, इसको खींच लेंगे, इसको ये खींच लिया हमारी ये टाई बन गई। ठीक है, ओके हो गया, ठीक हो गया। इसको देख कुर्बान कमेटी का चेयरमैन को, अच्छा ये हम हवाला क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा काम पक्का हो जाए। जी शरियर भाई आप क्या कर रहे हैं भाई? ये मैं पेज लगा रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये दामन पे इसका यहाँ पे एप्लिक होगा, एप्लिक होगा। अच्छा ग्लू स्टिक हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अच्छा बाद में जो है ना कि ग्लू स्टिक यूज़ नहीं होती। अच्छा हाँ, बहुत से दर्जी यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा आज भी नहीं लगा के दे देते हैं, अच्छा क्लिक कर देता है, ये हमारे लिए ना थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, काम आसानी हो जाता है। ठीक है, अच्छा देख रहे हैं आप ये अलग अलग प्लेटें शो हो रही हैं। हाँ जी सेम है ये। ठीक है, ये नीचे आएगा, इसके ऊपर ये लैस आएगी, उसके बाद ये लैस नहीं है, ये इसका पैच है, पैच है। ठीक यहाँ पे अच्छा एक ऊपर वाइट है और एक पिंक है। ठीक है, ¿Qué es lo que pasa?
ठीक है जी, ठीक है। ये लुक है मेरे भाई। अब हमारा दूसरा काम, दूसरा काम क्या है हमारा? दूसरा काम है क्या बोला था दें? अच्छा, ये डिजाइनिंग इसके साथ अटैच करनी है इस साइड पे। भाई देखो जी, ये हमने 7.5 का कलर रखा है। अच्छा 7.5, ठीक है। वो कस्टमर आपसे पूछ रही थी कि ना ये हमें इसकी डिजाइन अपना गले का बताएं। जी जी, मैं गले का बता रहा हूँ। अच्छा, गले का साइज जो है ना अपने हिसाब से रखेंगे, चेस्ट के हिसाब से रखते हैं। अच्छा हाँ, कोई ना कस्टमर छोटा गला पहनता है, कोई बड़ा पहनता है। वी गला है ये ना। ये वी शेप गला बना रहे हैं। ये हमारा पैटर्न है, मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। ये हल्का सामने गुलाई में रखा हुआ है ना, हल्का सा गुलाई के अंदर है। ये देखो, ये 9 इंच का रखा हुआ है, लेकिन हमें रखना है 8 इंच का। ठीक है, ये 8 इंच हमने तैयार रखा है, 8.5 का रखेंगे। आधा इंच हमारा दबाव के अंदर चले जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक हो गया। ठीक, ठीक हो गया। ठीक, अच्छा 8.5 जो हमने गला काटा है ना, वो इसलिए काटा है। ये लेस देख रहे हैं? हाँ जी, ये लेस इतनी बाहर निकलती है। अच्छा हाँ, ये लेस इतनी बात, ये नीचे तक यहाँ एक ना, ये हिस्सा यहाँ खत्म हो जाएगा, दूसरा जो हिस्सा आएगा ना वो नीचे तक चलेगा। अच्छा, जब ये हम यहाँ ये करेंगे ना जी, तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। हाँ समझ रहे, सही है। इसलिए ना हमने ये बड़ा रखा, लंबाई के लिए। ठीक है, हमारा गला परफेक्ट आ जाए। ये मैंने अभी आपको कटिंग दिखाई है, अभी थोड़ी देर के अंदर फिर मैं आपको है ना इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमने अपना फैशन काटना है। ठीक है, निशाना ना आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, हल्का हल्का सा आ रहा है। हल्का हल्का आया क्योंकि व्हाइट चाहिए ना, व्हाइट पे व्हाइट ही आपको तुम्हारा आपको पता है कैसा है। हमारा फैशन कर लिया। ठीक ठीक हो गया। Yeah.
अच्छा देख ये तो है ना हम उसी भाई बराबर काटेंगे ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये सर। अच्छा एक ये ही सा? नहीं नहीं ये तो समझ लो हमने बराबर काट लिया ना ऊपर से, ये जो हम ये बढ़ता हुआ काटेंगे। अच्छा ठीक है ठीक। ये नेकलाइन की जो साइड पे डिजाइनिंग है वो बनती है, अब ये हम करेंगे इसके बराबर। ये हमने यहाँ निशान लगा लेना एक यहाँ। अच्छा एक यहाँ ठीक ठीक है भैया, यहाँ पे भी यही करेंगे। ठीक हो गया ठीक, अब इसकी कटिंग हो जाएगी। क्या हो गया? ठीक हो गया। अच्छा ये जो अब हम आपको सिलाई में दिखाएंगे क्या करना है, हमारा जो गला है ना ये गले में दब जाएगा, ये जो हिस्सा है ना ये हम जब लेस लगाएंगे ना हम इसको लेस में कवर करना है, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, हमें फोल्ड भी नहीं करना, हम इसको ऊपर से सिलाई लगा देंगे कच्चे की, जब है ना लेस रखेंगे ना तो उसकी भी। चले आगे देखते हैं आपने क्या करना है। ये सबसे आसान तरीका है, बहुत से जो है ना देखो ये एक ही पीस रखा हुआ होता है, इस पे ऐसी क्रॉसिंग वाली प्लेट डालते हैं फिर ये लेस भी उसी के साथ लगा देते हैं, यानी इसमें जोड़ नहीं आता। अच्छा हाँ, ये हमने इसलिए रखा है कि घर की लेडीज जो है ना बाजू का एक साथ काम कपड़े के ऊपर है ना प्लेटिंग वगैरह कर सकती। कच्चा किया है ना हमने, कपड़े को रोकना है ठीक है। Thank you.
ठीक हो गया, यहाँ पे कच्चा हो गया, ये कच्चा हो गया, ठीक है। इसको अस्तर को भी रोक लेंगे ताकि हमारा कपड़ा भागे नहीं। कट लगाते हैं वो डबल सिलाई लगा दे, यहाँ से उतार लेंगे। अच्छा ये तो हो गया हमारा सेट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जमाया था पार्टी जो हम पलटने आए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक लैस लगी हुई है, ठीक है, और उसके साथ टसल लगे हुए हैं, टसल बाद में लगेंगे।
तो यार ये मास्टर ने तंग किया हुआ है यार। मास्टर यार सबर कर लो यार, किन्ने किन्ने दिन करा दो कितने को देने थे यार। अच्छा ये जो लेस है ना जी, ये यहाँ से हमने सेंटर कर दिया। अच्छा सेंटर, ये कच्चे की सिलाई होती है ना, यहाँ पे हमने सेंटर करना है, फिर इसको यहाँ से मिला के ये ऐसे घुमाना है। नाश्ता प्लग नहीं खावा देखें। यहाँ से ऐसे ही रहेगा। एक मिनट इसको मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये कटिंग हो। अच्छा ठीक हो गई, ठीक हो। नमस्ते, क्या हाल है? फेयस हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं लगी थोड़ी। ये लो जी, हमारा गला यहाँ पे रेडी हो गया, गला कुछ रेडी हो गया, रेडी हो गया। यहाँ फूल आ जाएंगे, ठीक फूल आ जाएंगे। ये नहीं जी, ओके हो गया, ये हमारा डन हो गया, ठीक है।